राम राम भाई सभी लोगों को। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एक नहीं बल्कि कई वीडियोस, और काफ़ी इंटरनेट पे जो माहौल चल रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है, उसके रिलेटेड ये वीडियो है अपनी। और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने उठ के। एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैं हाथ उठा रहा हूँ मैक्सटन के ऊपर, एक वीडियो आपने देखी होगी मैक्सटन जिसमें बोल रहा है कि एलविश ने तो ये कर दिया मेरे साथ, बदमाश है, गुंडा है, इसके ऊपर ये होना चाहिए, मर्डर केस लगना चाहिए। और उसके बेसिस पे आप सभी लोगों ने मेरे को कल्प्रिट घोषित कर दिया और बदमाश घोषित कर दिया, गुंडा है, ट्रेंड चलवा दिया मेरे नाम के, अरेस्ट एलविश यादव, ये तो ऐसा है वैसा है, पॉलिटिकल इसको सपोर्ट है। सारी चीज़ें ना एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। और हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उनको मैं बोलना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो एक साइड की स्टोरी सुन के, बहुत जल्दी आप अपना फैसला सुना देते हो और एक साइड पकड़ लेते हो कि ओह एलविश ने तो ये कर दिया, ओह मैक्सटन के मार दिया, एलविश तो बदमाश है, गलत आदमी है। उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन लेते हो, चाहे अनफॉलो हो गया, चाहे कमेंट हो गया, गाली बकना हो गया, इट्स ओके, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक साइड की स्टोरी आप लोगों ने सुनी और दूसरी साइड की स्टोरी भी जानने का हक है और मुझे सुनाने का भी हक है। तो जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं इस वाली वीडियो को, प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना पक्ष रखूँ और मेरी भी सुनी जाए। जो लोग विक्टिम कार्ड खेल के अपने आप को विक्टिमाइज़ करके एक साइड की स्टोरी सुना के दूसरी साइड जो वे कर रहे हैं ना, और जितने भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेफ्ट लॉबी पूरी इकट्ठी हो रही है, एंटी हिंदू लॉबी, जो पुराने हिंदू सपोर्टर थे, जो एंटी थे मेरे, सारे एक जने गुट बना के सारे मेरे पीछे पड़ गए। चलो कोई बात नहीं, ये पुराना काम है, 2020 से झेल रहा हूँ मैं, जब हम हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते थे तब से झेल रहा हूँ मैं, मेरे को आदत है इन चीज़ों की, लेफ्ट लॉबी इकट्ठी हो जाती है, इट्स ओके। तो मेरे साइड की भी स्टोरी सुन लो भाई। तो मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, आप एक काम करना, आप उसका ट्विटर हैंडल खोलना या फिर आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करके देखना। जब मैं बिग बॉस में गया था, कब, अगस्त में निकला था मैं, जुलाई में गया था मैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया अपने 8 महीने, बहुत होते हैं 8 महीने। 8 महीने से लगातार आप देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ मैक्सटन के साथ और मैक्सटन मेरे साथ क्या कर रहा है। उसके हर ट्वीट मेरे अगेंस्ट मिल जाएगा, मुझे पोक करते हुए मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी ना पूरी एंड तक सुनना, आपको जो मेन चीज़ निकल के आएगी ना, आप भी कहोगे कि पूरी स्टोरी ऐसी होती है जो आपको नहीं सुनाई गई, हम सुनाएंगे आपको पूरी स्टोरी, हमारा पार्ट भी सुनना। पूरे 8 महीने से लगातार पोकिंग, जो भी मैं चीज़ करूँ उसमें एलविश ने करा, एलविश ऐसा, एलविश के लोग गवार, गवार आर्मी, एलविश आर्मी, गवार आर्मी, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई, दोगला एलविश, कई चीज़ें। बीच बीच में पहले हम लोग मिले भी थे, एक शूट पे मिले थे हम लोग साथ में, हम लोगों ने काम भी करा था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने देखा कि भाई इसको क्या हो गया, हम एक बार मिल रखे हैं, ये इसको पोकबाजी करने में क्या मज़ा आ रहा। फिर मेरे को पता लगा ये सब चीज़ ये मेरे साथ नहीं है, ऐसे ही फॉलोअर्स के लिए करता है सारी चीज़ें, चलो कोई बात नहीं कर लो। तो मैंने इसके मज़े लेने स्टार्ट कर दिए, मैंने, इसने बोला गवार आर्मी, मैंने बोल दिया कि अच्छा यू स्टिल एक्टिव, ऐसे ऐसे मैंने रिप्लाई करे नॉर्मल। उसके बाद इसने हर पछड़े में पैर अड़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है कोई नहीं अड़ा लो। उसके बाद मैंने इसको रिप्लाई करा कि भाई तू दिल्ली रहता है याद रखियो, कब सोचा याद दिला दूँ, तो उसका भी इस पर रिप्लाई आया इसका। फिर मैंने इसको मैंने कि इस चीज़ को ना एक बार ख़त्म कर देता, मेरे पास इसका नंबर था बट वो मिला नहीं, वो पुराना नंबर था इसका, मैंने इसको मैसेज करा कि नंबर भेज, इसने अपना नंबर भेजा। मेरे को इस पर कॉल पर बात करनी थी मेरे को इससे ना, कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, तुम बार बार ये सब क्यों करते हो, 8 महीने हो गए तुम्हें देखते देखते और सारी चीज़ें तुम अगेंस्ट में करते हो, क्यों करते हो, मेरे को पूछना था। इसने सामने से रिप्लाई करा कि मिल लेते हैं, मिल ही लेता हूँ ना आके मैं। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं फ्लाइट अभी लैंड होगी मेरी, 12:30 बजे आ जाना। मैंने व्हाट्सएप पे इसको एड्रेस भेज दिया, इसने सारी चैट उठा के सोशल मीडिया पर डाल दी कि मिलने जा रहा हूँ। पता लग गया मेरे को, देखा मैंने इसका सोशल मीडिया, वो मिल जाएंगी आपको सारी चीज़ें कि मिलने जा रहा हूँ, 40 मिनट दूर हूँ, ये हूँ वो हूँ, आ जा तेरे गुड़गांव ही आ रहा हूँ, इतने मिनट में पहुँच जा, 12:30 बजे तक ही मिलूँगा, नहीं तो उसके बाद नहीं मिलूँगा मैं, ऐसी ऐसी बातें इसने बहुत कही। उसके बाद सारी चीज़ें ठीक थी, इसने मैंने अपनी लोकेशन भेजा कि घर की, कि घर पे आ जाओ बैठ के बात करते हैं, देखते क्या दिक्कत है तुमको, पूछूँ तो सही मैं, और अगर इस भाई पे कॉल रिकॉर्डिंग होगी तो इसको उसमें ये भी होगा। मैंने इसको बोल रखा कि तेरे को घर पे थोड़ी मारूंगा, अपने घर पे ना अतिथि होता है इंसान, उसको कोई नहीं मारता भाई, तू डर मत आ जा। उससे पहले मेरे को मम्मी से मिलने जाना था, बट इनने जो स्टेटमेंट बनाई कि तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, जिसके चक्कर में मैंने इसको गाली बकी, कुछ मैंने अपशब्द यूज़ करे इस चीज़ के बाद। उसके बाद थोड़ा हीट अप हो गया मोमेंट, मैंने कि एक काम करता हूँ, मैं ही आ रहा हूँ, तू अपनी लोकेशन ही भेज दे, इसके कोई दोस्त की दुकान थी कपड़ों की, वहाँ पर इसने पूरा सेटअप
पूरा कैमरा, इसको पता था क्या होने वाला है और इसको कैसे यूज़ करना है। और मैंने एक भी चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं डाली कि मैं मैक्सटन से मेरी बात हो रही है या फिर मैक्सटन के पास जा रहा हूँ, इसकी चैट वैट कुछ नहीं डाली, क्योंकि ये सब काम नहीं है मेरा कि मैं फ़ोन रिकॉर्ड करूँ, ये सारी चीज़ें ये मेरे मतलब की नहीं है, ये दूसरी चीज़ें। इसने वहाँ पर पूरा सेटअप बैठा है, पूरा प्री प्लान्ड कैमरा कहाँ छुपाना है, माइक लगा रखा अगले ने, आप वीडियो देखोगे ना उसकी खोल के जिसमें मार खा रहा है, उसमें पता लगेगा इसके यहाँ पे माइक लगा हुआ है, जब लग रही है ना यहाँ पे धप 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 की आवाज़ आ रही है, उसमें पता लगेगा कि सारी चीज़ ना बिल्कुल सटीक तरीके से प्लान्ड कि क्या होने वाला है, इसको कैसे हमें यूज़ करना है। और जो जो लोग इसमें शामिल है वो मुझे भी पता है। और एक चीज़ और वायरल हो रही है कि भाई ये तो अकेला था, तुम तो 9-10 जने थे, ये 4 जने थे भाई, आपको अगर ढंग से पता हो, या फिर इससे पुरानी CCTV की फुटेज निकलवा लेना जितने भी थे, ये 4 जने थे, उनमें से कोई नहीं आया इसको बचाने, एक जना भी। और जो मेरे साथ लोग थे वो पीछे से, आप वीडियो में आवाज़ सुनोगे, वो रोक रहे हैं, वो मार नहीं रहे, वो रोक रहे हैं कि बस 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 बस। उस दिन था इंटरनेशनल विमेन डे, और एक इंसिडेंट मेरा हुआ था जयपुर में, जब माँ के ऊपर किसी ने मेरे को गाली दी थी। तो जो ऐसे ट्रोल्स होते हैं जो सामने मिल जाते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को कमेंट आता है कि माँ बहन ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारी माँ के साथ ऐसे कर देंगे, बहन के साथ, तुम्हें कैसा लगता है? सिर्फ कमेंट पे गुस्सा आता है, कोई तुम्हें सामने से ऐसी बातें बोल दे, तुम्हारे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, तेरे माँ बाप को जिंदा जला दूंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस पर रिएक्शन आपका क्या होगा? क्या आप उसको उससे बात करोगे, हाँ हाँ भाई एक काम करे माचिस ले जा ले भाई, मेरे घर वालों में आग लगा दे, मुझे भी आग लगा दे, जिंदा जला दे। हम इस प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, और जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, सारी बिरादरी होगी, पूरी 36 बिरादरी, चाहे यादव, जाट, गुजर, पंडित, राजपूत, जितने भी हैं, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन कि क्या आपके खून में इतनी गर्मी नहीं है, या फिर आप इतने बुझदिल हो जाओगे कि आपके घर वालों को जलाने की बात करेगा तो आप उससे जाके बैठ के बात करोगे और उससे पूछोगे हाँ भाई क्या दिक्कत होगी भैया, क्यों जलाने की बात कर रहे हो, क्यों गाली गलौज कर रहे हो, माँ का दूध हमने पिया है और अपने तरीके से हम उसका वो करते हैं, चलो ये भी ठीक है, लड़ाई हो गई, उसने मेरे को बोल दिया लड़ाई हो गई, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी लड़ाई ख़त्म हुई, मैंने उसको दोबारा कॉल करा कि मुझे फील हुआ कि यार ज़्यादा लग गई, मिल लेते हैं नॉर्मल से सॉर्ट कर लेते हैं। हमने इसको घर भी बुलाया, मैंने कि घर आ जा कोई बात नहीं, बैठ के बात कर लेते हैं, इट्स ओके। ये नहीं माना, इसने एक बार बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, और ये नहीं आया, ये अपने घर चला गया, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने कि यार अच्छा लगता है ऐसे कि ज़्यादा लग लुक गई, नॉर्मल बैठ जाते हैं, इतना नहीं वो होना चाहिए था, इसके वोट की जो इसने भी डाल के यहाँ पे लग गई थी, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, पर वो भी ठीक है कोई नहीं। इसने अगले दिन क्या करा, FIR करवाई, ठीक है, और हमारे पुलिस प्रशासन पे भी इसने सवाल उठाए खूब की 307 लगनी चाहिए, 307 होता है अटैम्प्ट टू मर्डर, बहुत बड़ी चीज़ होती है अटैम्प्ट टू मर्डर ना, या फिर मर्डर करना। आप वीडियो देखोगे मेरे हाथ में आपको शायद कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि है नहीं ना वेपन ना किसी प्रकार का कोई औजार। तो हमारा भाई बड़ी सीधे तरीके से बोल रहा है कि इस पर मर्डर चार्जेस लगाओ, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी लेफ्ट लॉबी तो है ही, वो तो अगेंस्ट थी मेरी, जाए ये हो या ना हो वो अगेंस्ट में ही है मेरे, क्योंकि हमने मंदे टाइम में भैया अपने धर्म का खूब साथ दिया, आगे भी देते रहेंगे, और उसकी गाली मिलती है कोई बात नहीं, धर्म का साथ हम फिर भी नहीं छोड़ेंगे, गाली भैया दे लो वो तो पहले भी देते थे अब भी खा लेंगे। तो पूरी लेफ्ट लॉबी इसके साथ है, इस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग कर रहे हैं, हमारी गुड़गांव पुलिस को टैग कर रहे हैं कि अपनी FIR में 307 लगाओ, किस बिना पे लगाएं, सिर्फ यहाँ पे चोट आ गई है, मैं मर्डर करने गया हूँ, उसका सारा प्री प्लान्ड, फ़ोन इन्हें लगाया, माइक इन्हें लगाया, विक्टिम कार्ड ये खेल रहे हैं कि मेरे तो ये लग गई स्पाइन, मेरी स्पाइन पे अटैक कर दिया, मेरी स्पाइन टूट जाती है, ऐसे टूटती है भाई स्पाइन, कोई पढ़ा लिखा इंसान बताएगा ये स्पाइन होती है ऐसे टूटती है, दो थप्पड़ मारते कमर में तुम्हारी स्पाइन टूट जाती है, और कह रहा लावारिस हो जाते हैं, लावारिस नहीं कहते भाई उसको, अपाइज कहते हैं पहली बात तो, और लावारिस उसको कहते हैं जिसके माँ बाप नहीं होते। तो माँ बाप को जलाने की बात आपने करी थी, मैंने नहीं करी कि मैं तेरे घर वालों को जला दूँगा, गुस्से में मेरे मुँह से निकली कि तुझे जान से मार दूँगा, वीडियो में भी आ रही है वो चीज़, वो गुस्से में निकलता। तो मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मुझे बस अपनी प्रतिक्रिया बता देना इस वाली चीज़ पे, अगर मैं आपको सामने से मिलूं और बोलूं कि तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, मुझे उसका रिप्लाई बता देना कि आप क्या कहोगे, तो इसका कमेंट सेक्शन में बता देना। और जिसको गाली बकनी भाई बकेगा, 2020 से गाली खा रहे हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को कि कमेंट सेक्शन में आके गाली बको या फिर
10,000-20,000 आदमी मेरे को अनफॉलो करो, वो लोग मेरे थे ही नहीं कभी जो एक साइड की बात सुन के ना मेरे को अनफॉलो कर दे, वो मेरे थे ही नहीं कभी, और जिनने मुझे जाना है वो आज भी मेरे साथ में खड़े हैं। और मुझे पूरा विश्वास है अपने पुलिस प्रशासन पे जो उनने FIR दर्ज करी है। मैं भी करवा सकता था, टी शर्ट मेरी भी फटी है उसमें दिख जाएगा वीडियो में, और ये भी बोल सकता था कि जान से मारने की धमकी दी, जलाने की बात करी, मैं भी कर सकता था, बट मैं इन चीज़ों में पढ़ता नहीं। इनने पहले करा, मैं जाके करा दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं यार, पर मेरे को इन पचड़ों में पढ़ना नहीं। जब FIR कराई मैंने, फ़ोन भी करवाया धीरज भाई से, मैंने कहा यार भाई क्या कर रहा है ये, लंबी चीज़ें खींच रहा है, टाइम वेस्ट करेगा, ये है वो है, बैठ जाते नॉर्मली हम भूल के आगे बढ़ने वालों में से। भाई नहीं माने, FIR करा दी, कोई बात नहीं, चार सेक्शन लगे मेरे पे, जो जो है 147-149 आई डोंट नो, सारे अवेलेबल ऑफेंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप ढंग से देखोगे, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जियोगे तो आपको पता लगेगा इसके लगी भी नहीं है, जितना ये बन के दिखा रहा है 307 इंच है मेरा, मुझे डर लग रहा घर से बाहर निकलते हुए। अच्छा तो मैं अपने घर से बाहर रहता हूँ, मैं शूट पे रहता हूँ, तो मेरे को डर नहीं लगेगा? भाई मेरे घर वालों को जिंदा जलाने की बात कर रहा है अगला आदमी, तो मेरे घर वाले भी सेफ नहीं है। तो ये बोल रहे ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की हार हो जाएगी, ये बड़े बड़े शब्द भाई वीडियो में ही अच्छे लगते हैं, असल ज़िंदगी में ना प्रैक्टिकल लाइफ जीनी पड़ती है, उसी के हिसाब से जीना पड़ता है, और हमारा जो कानून है उससे ऊपर कुछ नहीं है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है गुड़गांव पुलिस पे, अपने माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब पे, कि वो जो भी डिसीजन लेंगे बिल्कुल सोच समझ के लेंगे, और जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी हम उसमें पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। और मेरे को प्लीज़ जवाब देना जिस प्रश्न का मैंने आप सभी लोगों से पूछा है कि क्या करते हैं आप लोग, प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना, मैं जानना चाहूँगा कि लोगों के खून में कितनी गर्मी बची है या नहीं बची। और जो मारपिटाई मैंने करी उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि ज़्यादा मार दिया, इतना नहीं करना चाहिए था, मे बी इंस्टेंट गुस्सा आ जाता है सभी लोगों से, जिन लोगों को लगा कि एलविश की छवि नहीं थी, एलविश ने गलत किया, उन लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ऐसा असल ज़िंदगी में नहीं हूँ, मैं मारपिटाई नहीं करता, कि बेफालतू में उठो अपना टाइम वेस्ट करो, मारपिटाई करो, सोशल मीडिया के पचड़ों में पड़ो, FIR कटवाओ, पुलिस में घूमो, ये करो वो करो। और एक और इल्ज़ाम हमारे भाई साहब ने लगाया कि FIR की गलत कर दी पुलिस वालों ने। भाई अगर मैं इतना इन्फ्लुएंशियल होता, इतना मैं बड़ा आदमी होता, इतना मैं पॉलिटिकल पावर रखता, तो तुम्हारी FIR भी नहीं होने देता, तुम तो गुड़गांव में आके मेरी FIR भी करवा गए ना, अगर मैं इतना वो होता तो मेरी नहीं होती FIR। उसका भी जवाब देना भाई, है ना, अपनी सारी चीज़ें रेडी कर लो, और हम भी अपने घर पहुँच के सारी चीज़ें आगे कार्रवाई स्टार्ट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करेंगे। इतना ही था मेरी तरफ से, अपने सोच समझ के भाई सब लोग डिसीजन लेना, आप लोग बताना कि आपका क्या विचार है इस चीज़ को लेके, एक साइड की कहानी सुन ली, दूसरी साइड की हमने सुना दी, तो प्लीज़ उस हिसाब से सोचना। और गाली देना बड़ा इजी होता है ऑनलाइन बैठ के, सामने बैठ के नहीं दी जा सकती, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, सामने कोई देता तो गुस्सा ही आता है, बहुत ज़्यादा आता है, कभी सुनोगे तो आपको पता लगेगा। और जिस टाइप की लड़ाई बची है, थप्पड़ चट्टू लगे हैं, जो भी है, आप लोगों ने भी अपने स्कूल कॉलेज में करी होंगी। बाकी इतना ही था मेरी तरफ से, मैंने अपनी सारी चीज़ें बोल दी हैं, और मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने ऐसी प्रतिक्रिया करी, उसके ज़्यादा लगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ सभी लोगों से जो मुझे बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मेरे लिए उस टाइम मुझे वो सही लगा और मोमेंट में हो गया। मेरी तरफ से इतना ही था, राम राम सभी को, अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें।